हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SGT यूनिवर्सिटी 2021 के बारे में। आज हम इस वीडियो में SGT यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करके सबमिट कर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उसी के साथ साथ उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन SGT यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर SGT यूनिवर्सिटी 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं SGT यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो google.com ओपन कर लेना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा SGT यूनिवर्सिटी 2021, और आगे लिखना है आपको cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप SGT यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। साथ ही साथ ये वेबसाइट जो SGT यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ डेली बेसिस पे अपडेट भी होती रहती है, तो आपको सिंपली गूगल में से सर्च कर लेना होगा। जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने गूगल पे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना होगा। जैसे आप इसे क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको SGT यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे SGT का हमें फुल फॉर्म दे दिया गया, पहले श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटरी यूनिवर्सिटी इसका SGT यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म है। उसी के साथ साथ SGT यूनिवर्सिटी में जो है कैंडिडेट्स को बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उसी के साथ डिप्लोमा और डॉक्टरियल लेवल कोर्सेज में भी एडमिशन मिल सकते हैं आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके लिए आपको जो है इसका एडमिशन प्रोसीजर जो SGT यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं SGT यूनिवर्सिटी, तो इसके एडमिशन प्रोसीजर को क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। उसी के साथ SGT यूनिवर्सिटी जो है वो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट हम इसके हाईलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक इसका फुल फॉर्म ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटरी यूनिवर्सिटी। बात करें एग्जाम नेम की तो UG PG डिप्लोमा और डॉक्टरल चारों टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, हमने ऊपर ये भी देख लिया था। लेवल ऑफ एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल है, कोर्सेज ऑफर्ड हमने ऊपर अभी देख चुके। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो इसकी है वो UGT SGT यूनिवर्सिटी के द्वारा ही ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ये इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है। बात की जाए एप्लीकेशन मोड की तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इसमें इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, वहाँ पे जाके फिल करके आपको सबमिट करना रहेगा। एग्जाम जो ऑफलाइन मोड होगा, पेन पेपर टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा, उसी के साथ आपको टोटल 3 घंटे दिएंगे, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कम्प्लीट करना होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम डेट्स के बारे में। सो कहते आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज होगा, एग्जाम जो है जून के मंथ में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे और भी जो इवेंट्स की डेट्स दे दी गई, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आके डेट्स पूरी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे SGT यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उतनी ही ज़्यादा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है एप्लीकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत डिटेल्स या कोई भी फेक डिटेल्स भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी के साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट फेस करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है कि कब किस तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, और जब उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कहा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो किसी भी साइड और किसी भी फॉर्म में अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता, रिजेक्ट हो जाता है। सो कैसे आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखना होगा, ताकि जो आगे जो है SGT यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं, कितनी साइज में सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में उसे अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बता दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल सब्सक्राइब किया, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सो एप्लीकेशन फ़ी है टोटल 1100 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फी जाकर आप ऑनलाइन मोड भर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू, और एप्लीकेशन फी अगर आप एक बार भर देते हो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस SGT यूनिवर्सिटी 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है,
क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अगर एडमिशन चाहिए आपको इस यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। तो गाइस इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से आसानी से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेकआउट कर पाएंगे। मैं अब यहाँ पे और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप जो कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स के हिसाब से अपने हिसाब से आसानी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता दें कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, उसी के साथ आपका जो HSC पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की रिगार्डिंग बता दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट कंपलसरी आपके 12th में आपके पास रहने चाहिए, तो ये आप इस कोर्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे। मार्क्स के रिगार्डिंग इधर बता दिया, फिर उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट के भी यहाँ पे पूरी चीज़ डिटेल दे दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल डिटेल में चेकआउट कर पाएंगे। सो गाइस अब बात करेंगे हम एडमिशन प्रोसेस की। सो गाइस जो एडमिशन प्रोसेस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का, वो अलग अलग मीन्स बहुत अलग 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 राउंड्स इसमें रहते हैं, लाइक सीट अलॉटमेंट रहेगा, मेरिट लिस्ट रहेगा, काउंसिलिंग और भी अलग अलग राउंड्स यहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी है वो आपके पास क्वालिफाइंग एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पे जो आपको आगे एडमिशन प्रोसीजर में जो है आगे भेजेगी। फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको प्राइवेट इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको जो इसमें एडमिशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। सो गाइस SGT यूनिवर्सिटी का जो इसी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को मालूम नहीं पड़ता कि कब रिजल्ट डिक्लेयर हो, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, किस तरह चेक करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना होगा, ताकि जैसे ही रिजल्ट मेरिट लिस्ट आपको डिक्लेयर होगा हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे, नोटिफाई कर देंगे। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जो मेरिट लिस्ट की लिंक और रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से सिंपली आप आसानी से अपना रिजल्ट अपने मेरिट लिस्ट का जो है चेक कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में। सो गाइस काउंसलिंग जो है यहाँ पे आपको बता दें कि ये काउंसलिंग ऑफिशियल्स के द्वारा रिलीज होगी, और काउंसलिंग मेथड में आपको जो है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग के बाद आपको जो है सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, और आपको जितने भी नेसेसरी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो भी रहेगी, हर एक चीज जो वेरीफिकेशन के लिए चाहिए रहेगा आपको वो काउंसलिंग में जो सबमिट करना रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट लिस्ट। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को SGT यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो से आपको जो है नॉलेज मिली हो, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।